हेलो फ्रेंड्स, बहुत जल्द आपको इंडिया में एक नया ई कॉमर्स मार्केट प्लेस देखने को मिलने वाला है, अडानी ई कॉमर्स मीन्स अडानी वन के नाम से। ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेस अडानी ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि बहुत जल्द आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। और उसके साथ ही साथ अडानी ग्रुप अपना खुद का डिजिटल पेमेंट नेटवर्क भी लेके आ रहा है, लाइक गूगल पे, फोन पे। कुछ दिन बाद आपको मार्केट में अडानी पे भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि लाइसेंस की जो प्रक्रिया है वो सारी चीज़ें लगभग पूरी की जा रही हैं। जो फॉर्मेलिटीज हैं इंडियन गवर्नमेंट की, वो सारी चीज़ें पूरी की जा रही हैं। और साथ ही साथ आपके लिए बड़ी न्यूज ये भी है कि अडानी ई कॉमर्स एक मार्केट प्लेस होने के साथ ही साथ ONDC पे भी अवेलेबल रहेगा। मीन्स अडानी ई कॉमर्स को ONDC पे भी एक्सेस किया जाएगा, क्योंकि ONDC के साथ अडानी ग्रुप की बात चल रही है इंटीग्रेशन को लेके, कि किस तरीके से अडानी ई कॉमर्स को ONDC के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। आगे मैं आपको बता दूं, अडानी वन जो इनका खुद का ऐप और वेबसाइट नेटवर्क है, जो साल दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, उसके बाद अडानी वन ऐप और वेबसाइट में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज बहुत कम समय में अवेलेबल हो गई थी। आज की डेट में अडानी वन ऐप या वेबसाइट पे जाके आप सारी टिकट बुकिंग, उसके साथ ही साथ फूड के ऑर्डर्स, उसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें अडानी वन ऐप या वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे ई कॉमर्स का ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद इसी ऐप पे या इसी वेबसाइट पे आपको अडानी वन पे ही जाना है, और वहीं पे ही आपको ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भी देखने को मिलेगा, लाइक Amazon, Flipkart और Meesho, क्योंकि इनका जो ऐप है, जो फंक्शनैलिटीज हैं, वो ऑलरेडी बनी हुई हैं। आज की डेट में आप अडानी वन पे जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, बशर्ते अभी वहां पे आपको ई कॉमर्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत जल्द ई कॉमर्स नोड भी आपको अडानी वन पे ही देखने को मिलने वाला है। कहने का मतलब ये है कि अडानी वन जो ऐप और वेबसाइट है, इसी पे आपको ई कॉमर्स मार्केट प्लेस की भी फंक्शनैलिटी देखने को मिलेगी। इसके लिए कोई नया ऐप या नेटवर्क नहीं बनाया जाएगा। लेकिन बात करें अगर अडानी पे की, तो ये बिल्कुल नया डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है, जो कि मार्केट में आने जा रहा है। गूगल पे, फोन पे, इन सबको कड़ी टक्कर देने के लिए इंडिया में बहुत सारे पेमेंट नेटवर्क हैं या डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं जो काम कर रहे हैं, उसी की तरीके से अब अडानी पे भी मार्केट में आने जा रहा है। सारी तैयारियां लगभग बैकएंड में पूरी की जा रही हैं, जो भी फंक्शनैलिटीज हैं वो सारी चीजें डेवलप की जा रही हैं। और आपको मालूम ही है कि अगर अडानी ग्रुप ई कॉमर्स में आ रहा है, जाहिर सी बात है उसको इंडिया में ई कॉमर्स का एक्सपोजर दिखाई दे रहा है, ई कॉमर्स की ग्रोथ दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ उन मार्केट प्लेसेस की मोनोपोली दिखाई दे रही है जहां पे स्मॉल सेलर्स या MSMEs बहुत ज्यादा परेशान है। इन सबको काउंटर करने के लिए अडानी ई कॉमर्स लाया जा रहा है। आई होप ये इंडियन ई कॉमर्स में एक नया रेवोल्यूशन लेके आए, क्योंकि आपको मालूम ही है कि अडानी ग्रुप भी कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। अगर ये सही तरीके से ई कॉमर्स करना चाहेंगे, डेफिनेटली इंडिया में ये बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि ये इंडिया का अपना ग्रुप है। और साथ ही साथ इंडिया में क्या चीज किस तरीके से डिमांडेड है, कैसे लॉन्च करना है, क्या अप्रोच रखना है, अडानी ग्रुप को बहुत अच्छे से मालूम है। अब देखना यह है कि ये स्मॉल सेलर्स को, MSME सेलर्स को किस तरीके से अपने मार्केट प्लेस पे इनरोल कराएंगे, क्या ये खुद सेलर्स को रीच आउट करेंगे, या इनके पास भी कोई ओपन नेटवर्क रहेगा जहां से सेलर इन पे इनरोल कर पाएंगे। जैसे ही आगे और फर्दर अपडेट्स आते जाएंगे, मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। बस आप इस चैनल पे बने रहिए, धीरे धीरे जो भी इनके अपडेट्स आएंगे, चाहे वो पेमेंट नेटवर्क को लेके हो या ई कॉमर्स को लेके हो, मैं आपको बताते हुए जाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।